हेलो, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ मिनिमम रबर बैंड विच कैन बाउंड टुगेदर थ्री सर्कल्स ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं पहले आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ताकि आपको इसका क्लियर सोल्यूशन समझ में आ जाए। उसके बाद लास्ट में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसे यूज करके ये क्वेश्चन का आंसर विद इन 2 सेकेंड्स में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम डिटेल सोल्यूशन इसलिए देखेंगे ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, जो फॉर्मूला है, अगर मैं आपको बता दूँ तो आपको आंसर तो 2 सेकेंड में आ जाएगा, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। तो बेटर आप पहले इसका डिटेल सोल्यूशन देखिए। मैं इसमें बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज यूज हुए हैं वो आपको बताऊंगा, एंड बहुत सारे बुक्स में अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें डायरेक्टली अज्यूम कर लिया गया, उसका डिटेल सोल्यूशन या डिटेल जो रीज़न होना चाहिए वो नहीं बताया गया। तो मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ बता दूंगा ताकि आपका इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपको ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अब जैसे कि यहाँ पर ये तीनों सर्कल जो है वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यस, तो जब भी सर्कल जो है एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके बीच में जो ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, सो दैट कॉमन पॉइंट इज ऑलवेज कोलिनियर, दैट इज विद द सेंटर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे कि जो फर्स्ट सर्कल, इसका नाम, इसका सेंटर जो है उसको मैं ए दे देता हूँ, इसको नाम बी दे देता हूँ, एंड दिस इज सी। तो दिस आर द थ्री सर्कल्स विद सेंटर ए, बी एंड सी। रेडियस तो सबका सेम है, मीन्स दे आर इक्वल सर्कल्स, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। नाउ व्हेन दे आर टचिंग एक्सटर्नली, तो ये जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट हमेशा कहाँ पर लाई करेगा? इट विल ऑलवेज लाई ऑन द सेगमेंट दैट जॉइन द टू सेंटर्स। हाँ, तो अगर ए और बी को हम जॉइन करते हैं तो वो जो सेगमेंट होगा वो कहाँ से पास होगा? ये कॉमन पॉइंट से पास होगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज अ वन प्रॉपर्टी वी शुड नो। यस, अब जैसे कि यहाँ पर द सर्कल विद सेंटर बी एंड सी, दे आर टचिंग एक्सटर्नली ईच अदर, तो ये जो कॉमन पॉइंट होगा इट विल लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू सेंटर्स। यस, सिमिलरली यहाँ पर भी हम जॉइन करेंगे, तो ये तो हम यहाँ पर नेमिंग दे देते हैं, ये कॉमन पॉइंट डी, इसको ई, एंड दिस इज एफ। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर बी डैश डी डैश ए, यहाँ पर क्या होगा? बी डैश डी डैश ए। इसका मतलब क्या है? बी डी और ए जो है वो एक सेम लाइन पे लाई करते हैं, दैट इज दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है? कोलिनियर पॉइंट। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर को ज्वाइन कर रहे तो वो कहाँ कहीं से भी पास होगा, ऐसा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप दो सेंटर को ज्वाइन करेंगे, जब भी दो सर्कल टच कर रहे एक्सटर्नली या इंटरनली भी जब टच करते हैं, देन ऑल्सो वो कॉमन पॉइंट जो है वो हमेशा वो सेगमेंट पे ही लाई करता है जो दो सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है सेगमेंट। अंडरस्टूड? ओके, तो पहला तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक और ये भी करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रबर बैंड है तो दे विल एक्ट एज अ टैंजेंट। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सपोज ये पॉइंट से इसको सपोज मैं P कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं Q कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये PQ जो है दैट विल एक्ट एज अ टैंजेंट, कॉमन टैंजेंट फॉर बोथ दिस सर्कल। अब यहाँ पर भी सपोज मैं R और इसको S कंसिडर करता हूँ, तो RS जो है दैट इज अ टैंजेंट फॉर दिस टू सर्कल्स, कॉमन टैंजेंट। यहाँ पर भी मैं सपोज T एंड यहाँ पर U कंसिडर कर लेता हूँ, सो यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट लाइन एज अ वो एक्ट कर रहा है वो रबर बैंड, तो दैट विल एक्ट एज अ टैंजेंट फॉर बोथ दिस सर्कल्स, वो कॉमन टैंजेंट एक्ट करेगा। अंडरस्टूड? ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि ए जो है ए से हम ये क्यू को ज्वाइन करेंगे, ए और क्यू को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्यू जो है वो एक रेडियस हो जाएगा। यस, नाउ इट इज़ अ रेडियस और पी क्यू जो है वो टैंजेंट है, इट इज़ अ टैंजेंट, एंड वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियस एंड टैंजेंट, रेडियस एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यस, ये प्रॉपर्टी आपको बताना चाहिए, ये थियरम आपको बताना चाहिए कि रेडियस और टैंजेंट जो है वो हमेशा एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर एंगल क्यू जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, क्या बनेगा? 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर पी बी जो है यहाँ पर भी ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम सब ज्वाइन कर देते हैं बी एंड आर को, तो यहाँ पर
ये 90 बन जाएगा यहाँ पर, बिकॉज टैंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये सारे एंगल जो बन गए वो 90 डिग्री बन गए। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली ये 90, दो एंगल तो 90। अब देखो ये क्वाड्रिलैटरल जो है, अगर मैं नेमिंग बोलूँ यहाँ पर ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, ये जो है ये क्वाड्रिलैटरल है जिसमें दो एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अब बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे अगर आप देखोगे बहुत जगह क्या होता है, डायरेक्टली इसको बोलेंगे दिस इज अ रेक्टेंगल, बट इसके बेसिस पे हम डायरेक्टली इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। रेक्टेंगल हम तभी बोल सकते हैं जब सारे एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री। इवन तीन एंगल भी अगर 90 डिग्री मिल गया तो ऑब्वियस है फोर्थ एंगल भी जो है वो 90 डिग्री होगा, बट यहाँ पर हमें दो एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया है, अदर दिया नहीं, मतलब हमें मिल गया दो एंगल 90 डिग्री, बट ये दो एंगल के बारे में मुझे नहीं पता है, ये दो एंगल के बारे में। तो अब इसको डायरेक्टली मैं इसके बेसिस पे तो नहीं बोलूंगा कि ये रेक्टेंगल है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसको प्रूफ करूंगा कि ये रेक्टेंगल है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान दीजिए ये पी क्यू जो है, पी क्यू इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ पी क्यू, एंड यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर ये 90 डिग्री, यस। तो अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री है तो अब देखो ये दो लाइन जो है वो 90 डिग्री यहाँ बना रहे हैं, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल कंसिडर करता हूँ तो दैट मीन्स वॉट दिस टू लाइन्स आर मेकिंग 90 डिग्री, या सम ऑफ बोथ दी एंगल्स इज 180 डिग्री ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यस। पी क्यू को एज अ ट्रांसवर्सल अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये जो दो लाइन सेगमेंट है दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो क्या है 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है, दैट मीन्स वॉट यहाँ पर क्यू ए, क्यू ए और पी बी जो है वो पैरेलल हो जाएंगे, यस और नो? आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि अगर एक ट्रांसवर्सल ले रहे हैं और यहाँ पर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा, यस और नो? तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है, सो दैट मीन्स वॉट पी बी एंड क्यू ए जो है वो एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो पी बी और क्यू ए जो है वो पैरेलल हो जाए हो गए बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, एंड अदर थिंग इज पी बी और क्यू ए जो है वो इक्वल भी होंगे बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, यस दे आर द रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, बिकॉज ये सारे सर्कल्स जो है सबके रेडियस सेम है 14 सेंटीमीटर, तो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है तो रेडियस भी सेम होगा, तो पी बी और क्यू ए जो है वो इक्वल भी है और पी बी और क्यू ए जो है वो पैरेलल भी है। तो वी नो दैट इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो वो क्वाड्रिलैटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, यस। तो यहाँ पर ए बी पी क्यू जो है वो एक पैरेललोग्राम है, यस। अब अगर पैरेललोग्राम ये हो गया तो पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है, पैरेललोग्राम में एक भी एंगल अगर 90 डिग्री हमें मालूम पड़ जाता है तो नाउ ऑल दी एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएंगे, यस। क्योंकि देखो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो अगर यहाँ एंगल पी जो है 90 है तो यहाँ पर एंगल ए जो है ये वाला वो भी 90 होगा, क्यू जो है 90 है तो बी भी क्या होगा 90 होगा, अंडरस्टूड, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर अब देखो सारे एंगल्स क्या आ गए 90 डिग्री, नाउ इफ ऑल दी एंगल्स आर 90 डिग्री देन बाय डिफॉल्ट इट बिकम्स अ रेक्टेंगल, क्या हो गया रेक्टेंगल, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये सारे जो रेक्टेंगल ये क्वाड्रिलैटरल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, देखो तीन क्वाड्रिलैटरल्स फॉर्म हो रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, हाँ, और एक ये हो गया, ये तीनों जो होंगे क्वाड्रिलैटरल्स वो क्या होंगे रेक्टेंगल्स होंगे, दे विल बी रेक्टेंगल, अंडरस्टूड। अब ये रेक्टेंगल से हमें क्या मिल जाएगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ए बी जो है ए बी विल बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी जो है वो पी क्यू को इक्वल होगा। अब देखो ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए बी का वैल्यू विल बी नथिंग बट अब देखो सर्कल जो है उनके रेडियस कितने हैं 14, तो ए डी विल बी 14, ये वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 14 है, दूसरे का भी 14 है, तो ए बी जो है वो क्या है ए डी प्लस बी डी, यस और नो? बिकॉज दे आर कोलिनियर पॉइंट, तो ए डी प्लस बी डी विल बी नथिंग बट ए बी, यस और नो? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 प्लस 14 दैट इज नथिंग बट 28, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, तो ए बी अगर 28 है तो पी क्यू भी कितना हो जाएगा 28, ये पी क्यू का लेंथ हमें कितना मिल गया 28। सिमिलरली ये जो रेक्टेंगल है ये दूसरा वाला रेक्टेंगल, इसमें भी क्या होगा
पीसी कितना होगा? 28 होगा, बिकॉज 14 प्लस 14 दैट इज 28, तो ये 28 है, तो आर एस भी कितना होगा? 28, अंडरस्टूड। एंड सिमिलरली यू टी का जो वैल्यू होगा वो भी 28 होगा, बिकॉज ए सी जो है वो 28 है, अंडरस्टूड। तो ये हमें क्या मिल गया, पी क्यू, आर एस और यू टी जो है वो हमें मिल गया 28। यस, अब देखो यहाँ पर जो रबर बैंड है उसके पी क्यू यू टी और आर एस पार्ट मिल गया। अब ये जो कर्व पार्ट है, ये कर्व वाला जो पार्ट है, अब ये हमें कैलकुलेट करना। यस, अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट वी कैन कैलकुलेट इज लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं कुछ, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ है, बीच में ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यस और नो? यस, इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, बिकॉज तीनों साइड्स इक्वल है, ए बी भी 28 है, बी सी भी 28 है, ए सी भी 28 है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ अलग से, तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री, यस और नो? दिस विल बी 60 डिग्री, ओके। अब दूसरा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये तो 90 है, यस yes, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ए, अगर पूरा नेम मैं आपको बताऊँ तो क्यू ए बी, क्यू ए बी जो है वो 90 है। इस साइड भी जो एंगल बन रहा है ये वाला, दैट इज यू ए सी, यू ए सी जो है वो भी 90 है, बिकॉज रेक्टेंगल का एंगल है। तो देखो अब यहाँ पर एट अ गिवन पॉइंट वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ गिवन पॉइंट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360। तो अगर ये 60 है, ये 90 है और ये 90 है, तो कितना हो गया 180 प्लस 60 दैट इज 240, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 120। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 डिग्री, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल हमें मिला वो कितना मिला, 120 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लेंथ ऑफ एन आर्क जो है उसका कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr इंटू 2πr, या मैं सिंपली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी यूज कर सकता हूँ। अब देखो ये 120 है, यहाँ पर ये जो आर्क बन रहा है ये वाला, तो यहाँ पर जो एंगल वो सबटेंड कर रहा है सेंटर पे वो 120 है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो आर्क है PR, वो भी कितना एंगल सबटेंड करेगा, सेम 120, सब केस में सेम ही आने वाला है, अंडरस्टूड। ये भी 120, तो देखो 120 इज नथिंग बट 1/3 ऑफ 360। तो यहाँ पर तीन पार्ट है ना, देयर आर थ्री पार्ट्स, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे 120 प्लस 120 प्लस 120, मतलब ये देखो ये 120 वाला पार्ट आर्क है, फिर ये 120 एंड द नेक्स्ट 120, ये पूरा क्या एक बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, मतलब ये तीनों आर्क को अगर हम ऐड करते तो वन कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो दैट इज नथिंग बट ये जो लेंथ होगा, ये देखो ये आर क्यू यू पी आर और एस टी जो होगा, ये सारे जो लेंथ होंगे इनको अगर हम ऐड करते हैं सो इट विल बी नथिंग बट अ कंप्लीट सर्कल, और सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस, दैट इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर अब लेंथ ऑफ रबर बैंड जो है, लेंथ ऑफ द रबर बैंड ये जो है वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेट पार्ट जो था ये रबर बैंड का, वो तो हमें मिला एज अ जो टेंजेंट था, यहाँ पर पी क्यू आर एस और यू टी, वो 20 28 28 मिल गया। अब ये जो आर्क वाला पार्ट था, दैट इज कर्व पार्ट, वो हमें लेंथ ऑफ एन आर्क से भी मिल जाएगा, या तो मैंने आपको एज अ सर्कल बता दिया, ये तीनों मिलके एक सर्कल बना देंगे, अंडरस्टूड। या तो मैं सिंपली आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस आर एस प्लस यू टी प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क, कौन सा आर्क यहाँ पर, लेंथ ऑफ एन आर्क क्यू यू प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क पी आर प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क एस टी, लेंथ ऑफ एन आर्क एस टी, यस। तो यहाँ पर ये मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि हम हर एक स्टेप क्या फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 28 प्लस ये हो जाएगा 28 प्लस ये हो जाएगा 28 प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क, तो इट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, यस इंटू 2πr प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, तो अब देखो ये सब में थीटा सेम है, रेडियस भी सेम है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, यस और नो? तो यहाँ पर आ जाएगा
अब अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं, सो 28 + 28 + 28, सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 56 + 28, दैट इज 84। ये कितना आ जाएगा, 84 प्लस प्लस, अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 3 × थीटा, थीटा कितना है 120, यस हमने कैलकुलेट किया, डिवाइड बाय 360 × 2 πr, तो 2 π, तो पाई का वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, 22/7, आर का वैल्यू कितना है, आर इज 14, यस, तो नाउ 3 × 120 दैट इज 360 होता है, तो ये 360 एंड 360 विल गेट कैंसल आउट, एंड 7 × 1 7 × 2 दैट इज 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 84 प्लस नाउ 2 × 22 दैट इज 44, एंड ये 88 आ जाएगा, यस अंडरस्टूड, तो ये कितना आ गया, दैट इज 12, और यहाँ पर 16 एंड 17, 172 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रबर बैंड का जो लेंथ है वो कितना है, 172 सेंटीमीटर, कितना है 172 सेंटीमीटर। तो ये तो मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन इसका बताया कि हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, वो चीज़ बताया, बट यहाँ पर सिंपली आप अगर आप देखो ये पी क्यू जो है वो किसके बराबर था, ए बी के बराबर था, ए बी, ए बी जो है वो क्या है, दैट इज आर प्लस आर ना, ये आर प्लस आर, बिकॉज बी डी इज आर, ए डी इज ऑल्सो आर, तो आर प्लस आर दैट इज 2 आर, 2 आर मतलब डायमीटर होगा, दैट इज डायमीटर, सो ये डायमीटर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बट दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द डायमीटर दैट इज 2 आर, सो ये क्या हो जाएगा, एक डायमीटर हो गया, डायमीटर के बराबर, तो पी क्यू जो है वो डायमीटर के बराबर है, वैसे आर एस बी जो है वो भी डायमीटर के बराबर है, एंड यू टी जो है वो भी डायमीटर के बराबर है, सो ये जो सब है इनका जो मेजरमेंट आएगा वो 3 डी के बराबर आएगा, 3 × डायमीटर, प्लस जैसे मैंने आपको बताया ये जो आर्क बन रहा है यहाँ पर, तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क जब हम निकाले तो 120 120 120 एंगल बन रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 360, तो मतलब एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, तो वो सर्कल का हम क्या ले लेंगे, सरकमफेरेंस, क्या ले लेंगे, सरकमफेरेंस, तो सिंपली हमको यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यस। तो ऐसे टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि 3 सर्कल्स है और उसका जो भी रेडियस दिया होगा, अंडरस्टूड, तो सिंपली आपको क्या करना है, उसका आंसर डायरेक्टली आपको आ जाएगा 3 × d, 3 × d प्लस 2 πr, अंडरस्टूड, तो आप सिंपली अगर चाहिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 × ये हो जाएगा 28 प्लस देखो 2 × 22/7 × r दैट इज 14, यस, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 84 प्लस यहाँ पर देखो ये 2 से कैंसिल आउट हुआ एंड दिस इज 88 एंड दैट इज नथिंग बट 172 सेंटीमीटर, सो लेंथ ऑफ द रबर बैंड इज 172 सेंटीमीटर, तो यहाँ से डायरेक्टली हमें मिल गया, तो दिस इज द फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला जो आप यूज करके रबर बैंड का जो मिनिमम लेंथ रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल जाएगा, दैट इज 3 d + 2 π r, अंडरस्टूड, ये तो मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन बताया कि ये जो फॉर्मूला भी आया वो हम पहले डिटेल सॉल्यूशन अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यस कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है यहाँ पर बट स्टिल डायग्राम थोड़ा सा ये हो गया, तो होप सबको समझ में आ गया, स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड मैंने डिटेल में इसलिए बताया कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इट्स नॉट लाइक कि जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बता देता डायरेक्टली 3 d + 2 π r, तो आपको आंसर तो आ जाएगा बट उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, अंडरस्टूड, तो कोई भी शॉर्ट ट्रिक जो भी होता है उसका आप पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर उसका शॉर्ट जो भी शॉर्ट ट्रिक है जो भी फॉर्मूला है वो आप अप्लाई करो एग्जाम में, तो होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।